लिख दे, पैसे को मुझ कर लिख दे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, अरे ये देखो, ये वो अपन नोटिस के तुम देख रहे हो सामने पुलिस मिला ले बोर्ड पर। गुड आफ्टरनून, हाँ तो चानू अभी आपको राइट नहीं करना है, चानू अभी आप राइट नहीं करेंगे। अब देखिए, आज कल मैंने आपको क्या बताया था, मात्रा बताई थी, सभी स्वरों की मात्रा बताई थी। तो देखिए आज मैं आपको बता रही हूँ आ की मात्रा। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आ की मात्रा कैसी होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आ की जो मात्रा है वो बिल्कुल सीधी होती है, इससे ओके कैसी होती है, सीधी होती है, ऐसे स्ट्रेट होती है बिल्कुल, ठीक है। ये कौन सी मात्रा है, आपसे पूछे कि ये कौन सी मात्रा है तो आप क्या बताएंगे। चानू आप बताइए कौन सी मात्रा है ये। चानू, तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारी है आ की मात्रा। कौन सी मात्रा है, कौन सी मात्रा है बेटा, आ की मात्रा, आ की मात्रा, ठीक है। अब देखिए इस आ की मात्रा को जब हम व्यंजन के साथ जोड़ेंगे तो ये व्यंजन के कहाँ लगेगी, बाद में लगेगी, ठीक है ना। कब लगेगी, व्यंजन के बाद में लगेगी। और इसका उच्चारण करते समय हमारा जो माउथ है वो कैसा होता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी व्यंजन को राइट किया है, ठीक है ना। ये क्या है, सभी व्यंजन है। अब आप इन सभी व्यंजनों पर आ की मात्रा लगाकर, ठीक है, पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखेंगे कि क क्या है, व्यंजन है। आपको मैंने बताया था ये सब क से लेके है तक के सभी क्या है, व्यंजन है ना। और इन व्यंजन में हम क्या करेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे। तो देखिए पहले आप सबसे पहले आ की मात्रा को देखेंगे, ये कैसी होती है, बिल्कुल सीधी यानी स्ट्रेट होती है। और इसको बोलते समय हमारा जो माउथ होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये सभी क्या है, व्यंजन है। अब मैंने आपको बताया है कि आ की जो मात्रा होती है वो व्यंजन के बाद में लगती है। कब लगती है बताइए शानू, कब लगती है आ की मात्रा, व्यंजन के बाद में, व्यंजन के बाद में, हाँ व्यंजन के बाद में। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल में बता रही हूँ कि हम राइट कर रहे हैं क, क में हम आ की मात्रा, आपको मालूम है कि हमारी आ की मात्रा है, ये मालूम है ना, जानते ना आप, ये कौन yes, सी मात्रा है? कौन सी मात्रा है, yes, ma'am. आ की मात्रा है, ठीक है, आ की। अब मैंने आपको ये बताया कि ये व्यंजन के क्या लगती है, बाद में लगती है। तो देखिए हम क में जब आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, का। और ये व्यंजन के बाद में लगेगी। देखो आप इसे बोलिए का, बोलिए का। अब आपका माउथ भी ओपन होता है ना इसके साथ में,
देखो हम आज इन सभी व्यंजनों पर क्या करेंगे, आ की मात्रा लगाकर पढ़ेंगे। तो देखिए क, क में हम आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, का। क्या बोलेंगे हम इसे, आ का। खै, खै में हम आ की मात्रा लगाएंगे, क्या बोलेंगे हम इसे, खा। क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेगा, खा। हाँ तो इधर देख के बोल, ठीक है ना, क्या बोलेंगे हम, खा। देखिए आप इसको बोलते समय आपका जो माउथ है वो भी क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है ना। नेक्स्ट, ते पर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बना, गा। अब देखिए घ पर हम आ की मात्रा लगाएंगे क्या बनेगा, घा। क्या बनेगा, घा। हाँ, और अण पे हम जब आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, अणा। दा। अब देखिए आप इन्हें एक साथ पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे हम इसे, का, खा, का, घा, अणा। ठीक है, क्या बोलेंगे, आ रहा है शानू आपको समझ में? यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट, हम छह पर आंख की मात्रा लगाएंगे क्या बनेगा, चा। क्या बनेगा, खा। चा। चा। बेटा चा। छह पर हम आंख की मात्रा लगाएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, चा। ठीक है ना। अब देखिए छह पर हम आंख की मात्रा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, छा। हाँ, वेरी गुड, छा। नेक्स्ट, जय पर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, जा। क्या बोलेंगे, जा। जा। और जय पर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, झा। क्या बोलेंगे, जा। और अण पे हम आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, अणा। ठीक है, अब देखिए एक साथ हम इसे पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, छा। सॉरी चा। क्या बोलेंगे, चा। छा। जा। झा। अणा। ठीक है, अणा। ठीक है शानू। नेक्स्ट देखिए, ते पर आ की मात्रा लगाएंगे क्या बना, ता। ता। क्या बना, ता। ते पर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, ता। ता। पर आ की मात्रा लगी तो धा। धा। पर आ की मात्रा लगी तो धा। धा। और अण पे आ की मात्रा लगी तो अणा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी, ते पर आ की मात्रा लगाएंगे तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी भी आपको बताया था कि हम आ की मात्रा कहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं शानू, व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन के बाद में कहाँ लगाते हैं, व्यंजन के, व्यंजन के बाद में, बाद में। और इसको बोलते समय क्या रहता है, हमारा माउथ ओपन हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए
ते पर आ की मात्रा लगी तो क्या बना? ता। थे पर आ की मात्रा लगी तो था। ते पर आ की मात्रा लगी तो दा। दा। थे पर आ की मात्रा लगाएंगे क्या बना? था। हाँ सही है। धा। और न पर आके मात्र लगाएंगे तो ना। ना। ठीक है ना। अब देखिए हम इसे कैसे पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको मात्रा लगाकर बताया है, अब देखिए इसे पढ़ने का तरीका क्या बोलेंगे हम इसे। ता। ता। था। या। या नहीं था। था। ते तय के बाद में क्या है? थे आता है ना। थे पर आ की मात्रा लगी तो था। था। दे पे मात्रा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? दा। दे पर लगी तो था। धा। ने पर लगी तो ना। ना। है ना? क्या? ना। नेक्स्ट है पेपर आ की मात्रा लगी तो पा। पा। क्या बोलेंगे? पा। पेपर आ की मात्रा लगी तो फा। पा। पेपर आ की मात्रा लगी तो पा। बा। और भेपर लगाएंगे तो भा। भा। और मैं पर हम आके मात्रा लगाएंगे तो मा। मा। है ना। अब देखिए हम इसे एक साथ पढ़ते हैं। पा। क्या बोलेंगे? पा। 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 बा। बा। भा। भा। मा। माँ। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है? आ की मात्रा लगाई है और आ की मात्रा कहाँ लगी है? व्यंजन के बाद में लगी है। आपको ध्यान रखना है कि व्यंजन के बाद में लगती है और आ की मात्रा का चिन्ह कैसा होता है? बिल्कुल सीधा होता है ऐसे। ये कौन सी मात्रा कहलाती है? आ की मात्रा कहलाती है। कल मैंने आपको बताया भी था, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, ये पर आके मात्रा लगी तो या। ये पर आके मात्रा लगी तो या। बेटा ये से यज्ञा, ये पर आके मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? या। हाँ। रे पर आके मात्रा लगी तो रा। रा। क्या बोलेंगे? रा। रा। ले पर आके मात्रा लगाएंगे तो ला। 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 ले पर आके मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा? ला। ठीक है ना। क्या बनेगा? ला। ला। वे पर आके मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? वा। है ना। क्या बनेगा? वा। वा। अब देखिए क्या बोलेंगे हम इसे? या। रा। ला। ला। और वा। वा। ठीक है ना। छह पर आके मतलब लगी तो शा। शे पर लगी तो शा। शे पर आके मात्रा लगाएंगे तो सा। शे पर आके मात्रा लगाएंगे तो हा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको सभी व्यंजन पे आ की मात्रा लगाई है। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको कल बताया था कि हमारी हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं?
11 होते हैं और मात्रा कितनी बताई थी मैंने आपको? मात्रा कितनी मात्रा होती है शानू आप बताएंगे? 10। हाँ 10, यानी हिंदी की वर्णमाला में 11 तो स्वर होते हैं पर मात्रा कितनी होती है? 10 होती है। उसमें से मैंने आपको ये बताया था कि ए की क्या होती है? कोई मात्रा नहीं होती है। ए की कोई मात्रा नहीं होती है और आ की मात्रा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आ की मात्रा का सिंबल मैंने आपको तब भी बताया था, आपको ध्यान रखना है कि हमारा यस बोलिए ऋषि की मात्रा नहीं होती क्या? क्या ऋषि की मात्रा नहीं होती क्या? ऋषि की मात्रा मैंने आपको बताई थी ना कल बेटा, री की मात्रा ये होती है, ये बताई थी ना मैंने आपको री की मात्रा, ये व्यंजन के नीचे ठीक है ना, री की मात्रा मैंने आपको कल बताई थी। और भी मैं बताऊंगी पर बट आज तो हम क्या करेंगे, आ की मात्रा लगाकर ही सभी व्यंजन को देखेंगे। तो देखिए हमारे मैंने आपके लिए सभी व्यंजन राइट किए हैं और सभी पर आ की मात्रा भी लगाइए। तो शानू अब मैंने आपको आ की मात्रा लगाकर व्यंजनों का उच्चारण भी बताया है, अब आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्लस आ क्या बनेगा? प्लस क्या बनेगा शानू? हाँ अब देखिए र प्लस आ क्या बनेगा? रा। रा। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी आ की मात्रा है वो व्यंजन के कहाँ लग रही है? बाद में लग रही है, बाद में आ रही है ना आ की मात्रा, ऐसा थोड़ी ना है? Yes, ma'am. व्यंजन से पहले ही आ की मात्रा लगा दी, नहीं लगाई है ना? तो हमारे जो क्या है व्यंजन के बाद में ही आ की मात्रा लगती है, व्यंजन से पहले नहीं लगती है। ओके नेक्स्ट देखिए आप, छह प्लस आ क्या बनेगा? हाँ अब देखिए नेक्स्ट, छह प्लस आ क्या बनेगा? या बेटा थे है ये थे से थर्मस, थे में आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बनेगा? था। हाँ वेरी गुड, दे में दे प्लस आ क्या बनेगा? दा। है प्लस आ क्या बनेगा? है प्लस आ खा। हाँ वेरी गुड, है प्लस आ क्या बनेगा? हाँ वाह वाह बेटा, है प्लस आ बा, क्या बोलेंगे हम इसको? बा। वा। ठीक है, ले प्लस आ क्या बनेगा? ला। प्लस आ ला, वेरी गुड। नेक्स्ट है ते प्लस आ
क्या बनेगा? ता ता क्या बनेगा? ता ता से प्लस आ क्या बनेगा? से प्लस आ क्या बोलेंगे हम? से प्लस आ क्या बनेगा? सा क्या बनेगा? सा। ओके अब देखिए नेक्स्ट, दे प्लस आ क्या बनेगा? क्या बनेगा? दे प्लस आ दा दा। तो देखिए हम व्यंजन में इस तरीके से भी मात्रा लगा सकते हैं, ठीक है ना? हम इस तरीके से भी मात्रा लगा सकते हैं और ऐसे भी हम, पर इनका उच्चारण क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, है ना? कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो देखो हम एक बार इन व्यंजन को रिवाइज करते हैं। क्या बोलेंगे? खा खा गा गा घा अणा 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 चा चा छा जा 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 झा अणा ता अणा नेक्स्ट ता ता था था नेक्स्ट बताइए आप। दा वेरी गुड अणा। अब हेमंत हेमंत कैमरा ऑन कीजिए। हेमंत मैडम कुछ नौ करेंगे नेक्स्ट है पेपर आंखी मत लगी क्या बोलेंगे? ता था पेपर आंखी मत लगी था पेपर आंखी मत लगी दा हां पेपर आंखी मत लगी धा दा पेपर आंखी मत लगी ना ना पेपर आंखी मत लगी पा मां पेपर आंखी मत लगी लगी बापर आके मत लगी भा मैपर आके मत लगी माँ माँ यह पर आके मत लगी या रैपर आके मत लगी रा लेपर आके मत लगी ला लगी तो क्या बोलेंगे? माँ हेमंत आप बताइए क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वाह शैपर आके मात्रा लगी ला शा शैपर शा से पर आके मात्रा सा है पर आके मात्रा लगी हा। तो स्टूडेंट आपको आके मात्रा लगाकर व्यंजनों को
पढ़ना आ गया है इसमें बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम है? तो देखिए मैं आपको एक बार वापस से बताती हूँ। नो मैम। सबसे पहले आपको क्या करना है, आ की मात्रा को पहचानना है कि हमारी आ की मात्रा कौन सी होती है। बिल्कुल सीधी होती है और ये कब लगाई जाती है, व्यंजन के बाद में। जैसे कि देखिए पहले मैंने यहाँ राइट किया है क, फिर प्लस में हमने आ की मात्रा लगाई है, ठीक है ना, और ये कब लगाई, व्यंजन के बाद में लगाई है। अब हम इसको जोड़ के आपस में जब बोलेंगे तो इसका उच्चारण कैसा होगा, का, कैसा होगा, का। और इसको बोलते समय हमारा माउथ कैसा होता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपको भी कैसे लेकर है तक के सभी व्यंजनों पर आ की मात्रा लगाकर लर्न करना है। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके,